गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में हम त्रिभुज के प्रकार पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं और उसे हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक तीनों प्रकारों के एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो चलिए पहले प्रकार से हम चर्चा करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इसके लिए इस त्रिभुज को हम समझते हैं। क्योंकि हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं तो हम कोण देखेंगे और यह आप क्या देख रहे हैं कि जो तीनों जो कोण हैं वह 90 अंश से क्या है कम। ये जो तीनों कोण हैं सभी 90 अंश से क्या है कम है। और 90 अंश से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, 90 अंश से कम के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून का मतलब भी कम, कितना से कम, 90 से कम। तो इसके तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है अर्थात तीनों कोण न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण क्या है, न्यून कोण। अब इसकी परिभाषा भी बना लें कि हम न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो क्या होगा परिभाषा, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 1 2 3, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह हुआ न्यून कोण त्रिभुज। इस चित्र को देखिए और ध्यान से समझिए, इसके तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो या न्यून कोण हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और यह है कोण के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार। आगे चलते हैं, एक और हम त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। अब इस त्रिभुज के फिर से हम कोणों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यह जो कोण है यह तो 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है। इसे देखिए बिल्कुल दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल दोनों रेखाखंड एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर हैं, लंबवत हैं। अर्थात यह जो कोण है वह कितने अंश का है, 90 अंश का। और 90 अंश को हम क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम कहते हैं सम कोण। तो यह त्रिभुज होगा सम कोण त्रिभुज। किसी भी परिभाषा को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस त्रिभुज को देखिए और इसका परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस त्रिभुज में कोई एक चाहे यह कोई भी एक कोण 90 अंश का हो या सम कोण हो उसे हम कहते हैं सम कोण त्रिभुज। आप देखिए भला यह कोण जो है 90 अंश के बराबर है, मतलब जिस त्रिभुज का कोई एक कोण सम कोण हो उसे हम क्या कहते हैं सम कोण त्रिभुज। लिख लेते हैं, जिस
त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखिए, हमने यहां कहा तीनों कोण न्यून कोण हो, यहां तीनों कोण समकोण बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकते। हाँ, कोई एक कोण समकोण होना चाहिए और उस त्रिभुज को कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। मैंने लिखा भी है, जिस त्रिभुज का कोई एक, कोई भी एक, तीन में से कोई एक कोण समकोण हो, 90 अंश का हो, तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और यह है कोण के आधार पर त्रिभुज का दूसरा प्रकार। अब चलते हैं एक और प्रकार की ओर और हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरह से। और इस त्रिभुज पर बात करते हैं कि यह क्या है। तो यह देखिए, ये कोण जो है 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है। 90 अंश का कोई कोण होगा वह बिल्कुल इस तरह से लंबवत होगा जैसे यहां पर है, और ये तो उससे छोटा इस तरह से है दोनों। तो यह है 90 अंश से कम न्यून कोण। यहां देखिए, यह जो कोण है अगर इस तरह से होता तो यह 90 अंश होता, लेकिन यह जो रेखाखंड है या रेखा है वह इससे आगे चली गई है, ठीक है। तो यह 90 से अधिक है और 90 से अधिक को हम कहते हैं अधिक कोण। तो यह त्रिभुज हुआ अधिक कोण त्रिभुज, यह हुआ अधिक कोण त्रिभुज। अब परिभाषा में क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। इसको देखिए, यह 90 से अधिक है, यह कितना हो सकता है, 140 145 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, 140 नहीं 120 के आसपास होगा। 90 से अधिक हो तो 90 से अधिक के कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। तो इसमें कोई एक कोण अधिक कोण है, इसलिए इसे कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा भी लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज में कोई एक, ध्यान रखिए कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से यह हुए त्रिभुज के तीन प्रकार कोण के आधार पर। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, 90 अंश से ज्यादा हो, तो उस त्रिभुज को कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान रखिए, किसी भी परिभाषा को हमें याद रखने, याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप उससे संबंधित कुछ उदाहरण बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, और उस चित्र को देखकर आप उसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। इसे आप
ऐसा परिभाषा नहीं लिखकर ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण सम कोण हो और दो कोण न्यून कोण हो उसे हम सम कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे कह सकते हैं कोई एक कोण अधिक कोण हो और दो कोण न्यून कोण हो तो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही परिभाषा हो, इसे देखकर हम उससे संबंधित परिभाषा अपने मन से गढ़ सकते हैं, और जब कोई परिभाषा हम स्वयं से गढ़ेंगे, मन से गढ़ेंगे, तो वह हमारे दिमाग में स्थायी रूप से होगा। तो आप चित्रों को देखिए और उससे संबंधित बातें अपनी कक्षा में रखिए, आप देखेंगे किसी एक चित्र के लिए आपके पास ढेरों जवाब होंगे। तो यह हुआ त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। अगली कक्षा में हम आयत वर्ग और उससे संबंधित सवालों को देखेंगे।